आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आई हूँ हेलो सनब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन का, जो कि SPF 40 एंड PA ट्रिपल प्लस के साथ आता है। गाइस, ये जो सनस्क्रीन है ये पपाया एंड सैफ्रॉन के साथ आता है और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिलता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्या ये अफोर्डेबल के साथ साथ इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है या नहीं है, आपको ये चीज़ परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये फुल रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें। ये है जॉय की सनस्क्रीन, जो कि एक ट्यूब पैकेजिंग में आती है। आपको इसमें ऑरेंज कलर का ट्यूब मिल जाएगा, डार्क नेवी ब्लू की कैप मिल जाएगी। ये सनस्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है एक सनब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन है, जो कि आपकी स्किन को SPF 40 एंड PA ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि एक्सट्रीम प्रोटेक्शन होता है UVA एंड UVB रेस से। इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट हैं वो है पपाया एंड सैफ्रॉन। ये आपकी स्किन के डार्कनिंग को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है। 60 ml की क्वान्टिटी आपको मिल जाएगी, जिसका प्राइस है 190 rupees। इसकी सेल्फ लाइफ आपको 3 साल की मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। गाइस, आप देख सकते हैं ये प्योर मिल्की व्हाइट कलर की क्रीम है, जो कि काफी कम क्वांटिटी लगता है। और जैसे आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट है, कितना स्मूथ है मेरी स्किन के लिए। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी ये मेरे फुल ये जो हैंड है इसको कवर कर लेगा। और गाइस, कुछ सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत टाइम लेते हैं मसाज करने में, बट इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने मेरी स्किन पे कहीं पे भी कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ा है, और किसी भी तरीके का मतलब ऐसा लुक लग रहा है कि मैंने मैट फिनिश कोई चीज़ लगा ली है। आई थिंक आपको गाइस नोटिस हो रहा होगा। अब देख सकते हैं मैंने इस हैंड में सनस्क्रीन लगाया है और इस पे नहीं लगाया है। दोनों में आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। ओवरऑल ये जो सनस्क्रीन है काफ़ी अच्छी है। अगर आप बजट रेंज में चाहते हैं तो एक बार इस सनस्क्रीन को ज़रूर ट्राई करिए। चलिए जान लेते हैं इस सनस्क्रीन में कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बनाता है। इसमें इस्तेमाल किया गया है पपाया एक्सट्रैक्ट। गाइस, पपाया में पैपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमारे स्किन से दाग धब्बों को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन या ब्लैमिशेज की प्रॉब्लम है, तो ये उस चीज़ को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में नहीं आने देगा। सेकंड इसमें इस्तेमाल हुआ है सैफ्रॉन। गाइस, हमारी जो दादी नानियाँ हैं वो सदियों से अपनी स्किन की रंगत को साफ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सैफ्रॉन का यूज़ करती आई हैं। तो गाइस, इसमें सैफ्रॉन का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपकी स्किन धूप की वजह से कहीं से थोड़ी काली, कहीं से गोरी हो गई है, ये उस चीज़ को इवन आउट करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके का जैसे एलर्जी हो गई है, रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, ये उस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है और आपकी स्किन से दाग धब्बों को रिड्यूस करके आपकी स्किन को ब्राइटर टोन प्रोवाइड करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें टाइटेनियम डीऑक्साइड का यूज़ किया गया है। ये काफ़ी सेफ होता है और बहुत सारे सनस्क्रीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का फिजिकल सनस्क्रीन होता है गाइस, क्योंकि ये हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जब भी हम धूप में निकलते हैं तो जो सन रेस हमारी स्किन पे पड़ती है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे डीप पेनिट्रेट ना होके वो हमारे चेहरे पे जैसी टकराती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है ग्लाइसेरिन मोनोस्टेरेट। ये हमारे स्किन को स्किन कंडीशनर का काम करता है। जिस तरीके से जब भी हम अपने बालों में कंडीशनर को अप्लाई करते हैं तो कैसे हमारे बाल एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड ग्लो प्रोवाइड करता है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये सनस्क्रीन परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है
कि ये बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन है। जी हाँ, इतने कम बजट में होने के बावजूद भी ये आपकी स्किन को SPF 40 एंड PA ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन देता है, जो कि काफी हाई प्रोटेक्शन रहता है इस समर के सीजन में। सेकंड है, ये किसी भी तरीके का कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी सनस्क्रीन हमेशा चाहिए रहती है जो कि उनकी स्किन में किसी भी तरीके का कोई वाइट कास्ट ना छोड़े, तो इस सनस्क्रीन को लेने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। थर्ड है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला। जी हाँ, समर के टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो हमें ऐसा सनस्क्रीन चाहिए रहता है जो कि हमारी स्किन को तो अच्छे से प्रोटेक्ट करे बट हमारी स्किन को चिपचिपापन ना दे, ग्रीसीनेस ना लगे, तो सनस्क्रीन के साथ ये बेस्ट थिंग है। एंड फोर्थ है, अगर आपकी स्किन में टैनिंग वगैरह का इशू है तो ये एंटी टैन लोशन है जो कि आपकी टैनिंग को रिड्यूस करेगा। इन फ्यूचर जो पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस जैसी प्रॉब्लम है, ये उस चीज़ को भी आपकी स्किन में नहीं आने देगा। तो गाइस, आपने देखा ना, ऐसे बहुत सारे रीजन है जो इसको काफी अच्छा बनाते हैं। इतनी सारी क्वालिटी के साथ ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन मार्केट में आते हैं बट वो बजट फ्रेंडली नहीं रहते हैं, काफी हाई कॉस्ट रहता है उनका। तो अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये उन सभी को बीट करता है, मतलब इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना तो काफी अच्छा सनस्क्रीन है। अगर आप में से भी कोई चाहते हैं कोई अच्छी सनस्क्रीन परचेस करना बजट में, अफोर्डेबल रेंज में, तो डेफिनेटली आप इस सनस्क्रीन को एक बार ट्राई करिए। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सनस्क्रीन के साथ। जैसा कि कंपनी का कहना है कि ये किसी भी तरीके का वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, तो सच में ये क्रीम मेरी स्किन पे किसी भी तरीके का कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब क्लेम के अकॉर्डिंग ये काम भी करती है। सेकंड चीज़ है, इन्होंने मेंशन किया है कि नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, तो यस, इसको जब भी मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ, इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बहुत ही अच्छे से डीप पेनिट्रेट हो जाती है गाइस। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया है तो मेरे को 1 से 2 मिनट मुझे मसाज करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाती है और किसी भी तरीके का कोई ग्रीसीनेस मेरी स्किन पे नहीं रहता है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है। करते हैं इसको रीअप्लाई की, तो इसके साथ कुछ कंडीशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट अगर आपके पास चाहे जॉय की सनस्क्रीन हो या फिर अदर किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन हो, जनरली ये कॉमन होता है, ये सभी पे अप्लाई होता है। पहली कंडीशन कि अगर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में हैं तो आपको हर 3 घंटे में सनस्क्रीन को लगाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, अगर आप इनडायरेक्ट सन एक्सपोजर में हैं, मतलब कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं बट डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं है, बीच बीच में आना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप 5 से 6 घंटे बाद भी सनस्क्रीन को अप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड कंडीशन, अगर आप बिल्कुल भी सन एक्सपोजर में नहीं है, मतलब आप सन के कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, पूरा दिन आप या तो घर पे हैं या तो आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको फुल टाइम एसी में बैठना पड़ता है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना पड़ता, डायरेक्ट आप शाम को घर आते हैं, तो उस कंडीशन में फुल डे आपकी सनस्क्रीन चल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्किन टाइप वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, ये सभी स्किन टाइप वाले इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अगर आपकी स्किन पे एक्ने प्रोन है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। याद रखिए, अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे पहले बेस में आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो बेटर होगा। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप पैच टेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बिना किसी टेंशन के इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगी, इस प्राइस रेंज में ये सनस्क्रीन काफी अच्छी है। गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहती हूँ, कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप महंगे प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाएंगे तो ही आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बट ये टोटल मिथ है गाइस। अगर आप एक CTM रूटीन फॉलो करते हैं मॉर्निंग में एंड नाइट में, मतलब क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, अगर आप डे में अप्लाई कर रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए, और अगर आप नाइट में रहे हैं तो नाइट क्रीम का इस्तेमाल करिए। तो अगर आप ये तीनों चीज फॉलो करते हैं तो याद रखिए, अगर आप बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी अपने चेहरे पे लगाते हैं तो भी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस लगेगी, काफी अच्छी और हेल्दी रहेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो 1 महीने इस चीज को फॉलो करके देखिए, बजट वाली चीज को अपने चेहरे पे अप्लाई करिए, कुछ दिनों तक कंटिन्यू उसको अच्छे से एप्लीकेशन करिए, आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि जरूरी नहीं है महंगे प्रोडक्ट ही हमारे चेहरे को अच्छा करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस समर के टाइम पे मैंने ये सनस्क्रीन का रिव्यू किया है, तो काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप चाहें इस बजट रेंज में कोई अच्छा अफोर्डेबल सनस्क्रीन लेना तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो
चलिए मैं इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, बट उससे पहले आप मेरे चेहरे को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद आप नोटिस करके बताइएगा ये मेरे चेहरे पे व्हाइट कास्ट छोड़ती है या नहीं, या फिर किसी भी तरीके का ऑयलनेस रहता है या नहीं। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है ये। गाइज बात करो इसके फ्रेग्रेंस की, तो काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जॉय के प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किए हैं, तो मुझे पता है फ्रेग्रेंस इसकी काफी अच्छी रहती है, काफी सॉफ्ट रहती है। आप देख सकते हैं मैंने मेरे चेहरे पे सनस्क्रीन को अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद ना ये मेरी स्किन पे किसी भी तरीके का व्हाइट कास्ट छोड़ा है, ना ही किसी भी तरीके का चिपचिपापन है मेरे चेहरे पे। तो ओवरऑल मैं आपको बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से कंपनी सनस्क्रीन को लेकर क्लेम करती है, तो सच में ये काम करती है। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि मेरी आजकल स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, बट इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद इसने मेरे एक्ने को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो लोग भी सनस्क्रीन का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस इसी बात में प्लीज मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।